हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI डेली जॉब्स अपडेट पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर हर रोज़ ITI और डिप्लोमा से संबंधित सभी प्रकार की जॉब अपडेट हम लेकर आते हैं। उसी क्रम में दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ITI पास और नॉन ITI पास छात्रों के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो है दोस्तों एक बहुत ही बड़ी कंपनी में, जो है श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स कंपनी, जहाँ पर दोस्तों पहले से काफ़ी सारे ITI स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं और यहाँ पर हर ITI और डिप्लोमा पास स्टूडेंट जॉब करना चाहता है। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है वो ITI ओल्ड ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है और इसका जो इंटरव्यू आपका चलने वाला है वो चलने वाला है 18/11/2020 से 25/11/2020 तक। तो दोस्तों काफ़ी लंबा टाइम आप लोगों के पास है और इसके लिए जो है आपको इंटरव्यू के थ्रू आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पर होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है अर्जेंट जॉब्स ओपनिंग श्री कृष्णा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अभी इसमें कैंपस ले रहे हैं आप लोगों का। कंपनी का जो नेम है वो है श्रीराम पिस्टन कंपनी दोस्तों, जो कि एक काफ़ी बड़ी कंपनी है। यहाँ पर पहले से काफ़ी सारे ITI स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं। तो लोकेशन जो रहेगा वो रहेगा श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड, जो है पथरेड़ी भिवाड़ी अलवर में है। ठीक है, और अलवर कहाँ पे है? अलवर आप लोगों को पता ही होगा, अलवर राजस्थान में है। तो आपको जो जॉब करना होगा यहाँ से आपको अपना जॉब लोकेशन भी पता लग जाता है। आपको जो जॉब करना होगा वो करना होगा अलवर राजस्थान में। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप 10th पास हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने ITI किया है, चाहे आपने ITI किसी भी ट्रेड से किया हुआ हो, ITI ओल्ड ट्रेड के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट है नॉन ITI को जो सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है, वो टोटल सैलरी आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा इसमें आप टोटल सैलरी जो है वो एक बार देख लीजिए। बेसिक और अलाउंस सब कुछ करने के बाद आपको जो टोटल ग्रॉस सैलरी मिल रही है वो 12,870 रुपया पर मंथ सैलरी यहाँ पर मिलेगा, जो कि मिलेगा दोस्तों नॉन ITI सैलरी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ITI होल्डर के लिए जो सैलरी मिलने वाली है, वो टोटल सैलरी इनको यहाँ पर मिलने वाला है 13,320 रुपया पर मंथ सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाती है। और जो कंपनी आप जॉब करेंगे वो एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा अनुभव भी मिल जाता है। बात करें अगर ड्यूटी टाइम की, तो आपकी ड्यूटी जो है वो 12 आवर्स की रहने वाली है, यानी कि 12 घंटे आपको प्रतिदिन काम करना होगा। शिफ्ट की टाइमिंग है, शिफ्ट जो है आपकी 6 बजे से 6:30 तक चलने वाली है शाम तक, और अगली शिफ्ट है शाम के 6 से सुबह 6:30 तक चलने वाली है। बात करें अगर फैसिलिटीज़ की, तो आपको यहाँ पर बस फैसिलिटी मिल जाती है, कैंटीन वन टाइम फूड आपको यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि एक टाइम का खाना आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ ही आपको ड्रेस शूज और संडे ऑफ रहेगा, आपका छुट्टी रहेगी, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करें अगर इंटरव्यू डेट की, तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो 18/11/2020 से लेकर 25/11/2020 तक आपका चलने वाला है। ठीक है, 18/11/2020 से 25/11/2020 के बीच में आपको यहाँ पर चला जाना है, यानी कि 18 तारीख से 25 तारीख के बीच आप वहाँ पर चले जाइएगा इसका इंटरव्यू देने के लिए। और आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और अकेडमिक क्वालिफिकेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट ID प्रूफ्स वगैरह आपको सब कुछ लेकर जाना है। और आपको इंटरव्यू के लिए जाना कहाँ पर है दोस्तों? तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा, ये जो एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर जाना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।